एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का अपरूपास लाइफ विद लव में बहुत बहुत वेलकम है एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है संडे और ये है एकदम मॉर्निंग का टाइम। आई बिलीव कि आप सब एकदम अच्छे से हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं और इसके पीछे भी एक रीजन है। तो आज हम निकल रहे हैं थोड़ा सा बाहर और वो भी किसी और के साथ। तो हम जा रहे हैं एक पार्क में, उसका नाम है रीजन्स पार्क। मतलब वो चेरी ब्लॉसम के ट्रीज फ्लावर्स के लिए ही फेमस है। तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, जाके फिर देखेंगे क्या क्या है, लेकिन सुना है कि बहुत ही खूबसूरत सी पार्क है। और इस बार हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ हमारी एक फ्रेंड, उनकी फैमिली जा रही है। तो बहुत ज्यादा खुश हूं मैं सच में, कितने दिनों बाद हम किसी और के साथ कहीं जा रहे हैं घूमने। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और तो वो लोग हमारे ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो हम दोनों फैमिली जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 29 मार्च के बाद से बाहर कोई फैमिली के साथ आप मीट कर सकते हो, तो बस इसीलिए हमने एक प्लान किया है। और ये पार्क है काफी बड़ा, काफी मतलब खुला स्पेशियस एरिया है, तो इसलिए हमने सोचा मतलब यहीं पे जाते हैं। बच्चों के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि वहां पे रोहन का भी फ्रेंड है। तो बस अभी कुछ ही देर में निकलेंगे और मॉर्निंग का जो भी प्रिपरेशन करनी थी सब कुछ फिनिश हो चुका है। और हम खाना घर से ही बना के ले जा रहे हैं क्योंकि वहां पता नहीं कुछ शॉप्स वगैरह होगा भी कि नहीं, तो इसलिए खाना पूरा बना लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा कुछ चीजें पैकिंग करनी थी तो वो सारा कुछ कर लिया है। तो बस अभी कुछ ही देर में निकलने की देर है। तो लंच के लिए लेके जा रहे हैं छोले और साथ में रोटी, रोटी बना रहे हैं हस्बैंड। तो ये एक बैग लिया है, तो इसमें कुछ स्नैक्स है और कुछ सामान, जैसे ये एक मैट ले लिया है अगर बैठने की जरूरत हो। यहाँ पे है बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्रूट्स, यहाँ पे है हमारे लिए कुछ स्नैक्स, कुछ चिप्स, कुछ कुकीज, ये सब मैंने लिया है बड़ों के लिए, ये बच्चों के लिए नहीं है। और बच्चों के लिए जैसे तो ये है रोहन का बैग, इसमें ले लिया है क्या लिया है, कलरिंग बुक, दो कलरिंग बुक और कलरिंग क्रेयॉन्स और जूस और मेरे को फ्रेंड लिए क्रिस्प और मेरे को फ्रेंड लिए और एक बॉल। तो बस बच्चों को दे दे तो पूरा लिस्ट एकदम। तो ये कुछ सामान ऐसे ले लिया है। और हाँ, मैंने कुछ पेपर प्लेट्स और ग्लास स्पून ये सब भी मैंने ले लिया है क्योंकि खाना वहीं पे होगा तो इन सारी चीजों की भी जरूरत होती है। और इसके अलावा तो जो भी कुछ एसेंशियल्स है अभी, सैनिटाइजर, फिर टिश्यू पेपर ये वगैरह, तो ये सारा कुछ है। तो बस अभी फ्रेश होना है, रेडी होना है, ठीक है, उसके बाद एकदम फाइनली रेडी होके फिर मिलती हूँ। तो हम सब हो गए हैं अभी बिल्कुल रेडी, रोहन और रोहन के पापा निकल गए हैं, मैं अभी निकलूंगी और तो जिनके साथ जाएंगे वो लोग भी आ गए हैं। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो आ गए हैं हम स्टेशन पे, अभी ट्रेन से जाना है, यहाँ पे टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स लगेगा। तो अभी 10-11 मिनट्स में ट्रेन आएगी, तो बस अभी सब वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए। से हेलो, हाउ एक्साइटेड बोथ ऑफ यू, हाउ मच एक्साइटेड, वेरी मच। Do you know where are we going? You don't know? तो यहाँ पे आ गया है रोहन और नॉर्वी का और एक फ्रेंड। तो हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन उन लोगों का कहीं और प्लान था, वो लोग और एक पार्क में जा रहे थे, लेकिन हमारा रूट सेम था और ट्रेन भी सेम थी, तो बस साथ में ही गए।
ये है हमारा सबसे ज्यादा एक क्यूटी पाई है ना? से हेलो, से हेलो सम्रत। ये कौन है? हेलो सम्रत, से हेलो, से हाय। दो चार महीने की से हेलो एवरीबॉडी। तो ये पहुंच गए हम फर्स्ट स्टेशन में। तो इसके बाद हमें और एक मेट्रो पकड़नी थी, उसके बाद हम पहुंचे हैं रीजन पार्क। पहुंच गए हैं हम और यहाँ से अभी 5 मिनट्स का वॉक है और ये जगह का नाम है, तो इस जगह का नाम है मर्लेबॉर्न और यहाँ से 5 मिनट्स लगेंगे पार्क पहुंचते पहुंचते। पहुंच गए हैं हम पार्क में और बस स्टार्टिंग से ही काफी काफी अच्छा लग रहा है। भीड़ तो है आज, क्योंकि आज वेदर काफी अच्छा है इसीलिए सब निकले आज। बस अभी तो एंट्री ली है, फिर देखेंगे।
तो रीजेंस पार्क लंदन के रॉयल पार्क्स में से एक है। ये उस लैंड एरिया में आते हैं जो कि यूके मोनार्की के ओनरशिप में आती थी, जिसे रॉयल फैमिली हंटिंग के लिए यूज करते थे। रीजेंस पार्क का नाम प्रिंस रीजेंट के नाम पर रखा गया था, जो कि बाद में किंग जॉर्ज IV बने। रीजेंट पार्क लंदन के 8 रॉयल पार्क्स में से एक है और ये अप्रॉक्स 395 एकर्स एरिया में फैला हुआ है। ये है सारे ट्यूलिप्स, कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है और कितने कलरफुल है। बहुत ही प्रिटी कलर्स है यहाँ पे, येलो, पिंक, व्हाइट। तो अभी तो हम आए ही हैं और एक्सप्लोर करना स्टार्ट हुआ है, तो घूम रहे हैं अभी। काफी लंबा स्पेस है, पहले थोड़ा सा बैठेंगे, कुछ खाएंगे क्योंकि सबको भूख लग गई है, और उसके बाद फिर देखेंगे। उस साइड पे भी है काफी चीजें देखने के लिए। बहुत ही अच्छा व्यू है। ये भी सारे ट्यूलिप्स है। बिलीव इट और नॉट, यहाँ 12,000 से ज्यादा रोजेस देखा जा सकता है। यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, ओपन थिएटर है और लंदन जू भी इसी का पार्ट है, लेकिन अभी कोविड की सिचुएशन के कारण ये तीनों टेम्परेरली बंद है। तो फाइनली आया है चेरी ब्लॉसम ट्री, व्हाइट, पिंक, सारे कलर के हैं। अगर वेदर अच्छा हो तो आप यहाँ पे सारा दिन बिता सकते हैं। लोग यहाँ रनिंग, वॉकिंग या पिकनिक के लिए भी आते हैं, और पार्क के अंदर स्नैक्स, लंच की भी फैसिलिटी है। तो अभी फाइनली जगह मिल गई है बैठने के लिए, अभी बैठेंगे, लंच ही कर लेंगे। अभी लंच टाइम हो गया है, तो लंच करके फिर हम बाकी का एक्सप्लोर करेंगे। Thank you.
ये डक को हम थोड़ा सा अभी खिला रहे हैं यहाँ पे। तो ये है मेरी प्यारी सी फ्रेंड रिचा। हेलो। तो कैसा लग रहा है रिचा इतने दिनों बाद? आफ्टर वन एंड हाफ ईयर। सीरियसली इट्स वेरी गुड प्लेस। सीरियसली इट्स लाइक हेवन यू कैन से राइट। हेवन आ गए। किड्स आर एंजॉयिंग। दे वांट टू ईट सम फूड बट they have given so many things to the duck. Like mama you can फिनिश्ड और अभी हम जा रहे हैं दूसरी तरफ और चारों तरफ यहाँ पे सिर्फ चेरी ब्लॉसम के ट्रीज है। एक हफ्ते भी नहीं रहेंगे। Thank you.
है डेफोडिल्स। पूरा रीजन पार्क का मैप और हम है यहाँ पे। तो ये रीजन पार्क के अंदर ही है क्वींस पार्क और ये भी काफी बड़ा एरिया है। तो हम काफी घूम लिए हैं, अभी फिर से थोड़ा सा बैठ गए क्योंकि बहुत ही लंबा बहुत ही बड़ा सा पार्क है, तो पता नहीं शायद एक दिन में कवर होगा, पता नहीं एक दिन में कवर होगा कि नहीं, फिर भी कोशिश जारी है। देखते हैं कितना कर पाते हैं। लेकिन बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, नॉर्वी रोहन दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और काफी दिनों बाद हम कहीं आए हैं ऐसे घूमने और वो अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं, तो उनके लिए तो एक अलग ही फीलिंग है, अलग ही मजा है। कैसे एंजॉय कर रहे हो रोहन? Thank you.
ये है यहाँ पे एकदम सीरीज पे चेरी ब्लॉसम के ट्रीज। जैसे मैंने कहा ये काफी बड़ा स्पेस है, एक दिन में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम अभी मतलब ये एक वॉकिंग ट्रेल है तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं। बस यहाँ से थोड़ा सा वॉक करने के बाद फिर हम स्ट्रेट घर की तरफ जाएंगे। बहुत ही अच्छा दिन था आज, बाकी मैं घर पे जाके मिलती हूँ। तो हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है, हम जा ही रहे थे तो बीच में ये भी और एक पार्क है और है, तो हमने सोचा कि यहाँ से भी थोड़ा सा घूम के जाते हैं, क्योंकि आप जिधर भी नजर दो इतनी ग्रीनरी है और इतना खूबसूरत सा व्यू है, कंट्रोल नहीं होता। तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर हम जाएंगे। और जैसे आप देख रहे हो कि ये जो एरिया है यहाँ पे मेनली काफी सारे चेरी ब्लॉसम के ट्री है, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, कुछ दिन के लिए ही है। और यहाँ पे ऐसे जो ट्रीज है, कई सारे ऐसे बड़े बड़े ट्रीज है,